Hey guys, welcome to Ecommerce Talk YouTube channel. Guys, क्या आप एक Flipkart seller हैं और आप चाहते हो minimum order quantity apply करना अपनी listing पे, तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं. Guys, हमारे पास ऐसे products होते हैं जिसकी selling price काफ़ी कम होती है और उसका weight भी काफ़ी कम होता है. इस केस में अगर आप उसमें मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी लगा देते हैं तो ये कस्टमर के लिए बेनिफिट होता है कि उसे सेम कम प्राइस में ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाती है, और आपके लिए बेनिफिट होता है क्योंकि आपका एक ही बार प्रोडक्ट निकल जाता है, सेम शिपिंग कॉस्ट में आपके दो तीन प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं. तो ऐसा अमेज़ॉन पे मैंने ऑलरेडी बनाया था कि अमेज़ॉन पे आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कैसे लगा सकते हैं. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लिपकार्ट में आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कैसे लगा सकते हैं. तो चलिए गाइज, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो गाइज, आपको अगर अपनी लिस्टिंग में मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी लगाना है तो उससे पहले आपको ये आर्टिकल ज़रूर देखना चाहिए जो फ्लिपकार्ट ने मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के लिए डाल के रखा है. गाइज, यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने बताया है कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आप अपनी लिस्टिंग पे कैसे लगा सकते हो और क्या क्या फीचर इसमें आपको मिलता है. तो गाइज, जब आप अपने लिस्टिंग पे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी लगा देते हो तो आपकी लिस्टिंग के नीचे कुछ इस तरह का मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 2 करके नज़र आता है. अब यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने साफ बताया कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आप लगाते हो तो आपकी जो लो सेलिंग प्राइस होती है सेलर की, जिससे नेगेटिव स्टेटमेंट चला जाता है, ये आपका फिर नहीं होगा क्योंकि आपके जो प्राइसिंग वो बढ़ जाएगी. जैसे यहाँ 75 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट का कमीशन और डिलीवरी चार्जेस ही इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि यहाँ पर कोई प्रोडक्ट जो सेलर है उसका कुछ प्रॉफिट ही नहीं बच पाता, नेगेटिव में चला जाता है. तो इसलिए फ्लिपकार्ट ने बोला है कि आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी लगाइए जिससे आपका प्रोडक्ट का क्वांटिटी यहाँ पर 2 दिखेगी, लेकिन जब ये प्रोडक्ट सेल होगा तो उस पर शिपिंग चार्ज आपका एक ही प्रोडक्ट का लगेगा, ठीक है, जैसे अमेजोन में होता है. अगर कस्टमर यहाँ पर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 2 है लेकिन 3-4 भी अगर ऑर्डर कर देता है तो भी यहाँ पर देख सकते हैं, इवन इफ द ऑर्डर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 2 तब भी एक ही प्रोडक्ट का शिपिंग चार्ज यहाँ पर आपका लगने वाला है. अब इसे एलिजिबल कैसे करेंगे, यहाँ पर बहुत जन का क्वेश्चन होगा, तो अभी ये हम बात करते हैं. जैसे अगर कोई प्रोडक्ट आपका 2-3 पीस भी ऑर्डर कर देता है तो देख सकते हैं डिलीवरी चार्ज यहाँ पर जो लगने वाला है सिर्फ वही लग रहा है, एक ही प्रोडक्ट का डिलीवरी चार्ज लगेगा. अब गाइस, यहाँ पर जो बेसिकली बात है कि इसे कैसे एक्टिव करें, तो देखिए इसको एक्टिव आप खुद से नहीं कर सकते. मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो फ्लिपकार्ट जो है वो खुद ही रिकमेंड करता है, आपकी लिस्टिंग को इंश्योर करेगा कि वो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के लिए है या नहीं. आपकी लिस्ट जब ये इंश्योर हो जाएगा तो आपको आपको जो माई लिस्टिंग सेक्शन, अगर आप जाएंगे क्लिक ऑन लिस्टिंग एंड माई लिस्टिंग टैब में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आपकी सारी लिस्टिंग दिखेगी. वहाँ पर आपको ये सारे टैब अभी शो जरूर होते होंगे. यहाँ पर अगर मैं जूम करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये सारे टैब जो है ऑलरेडी शो होते होंगे कि आपके कौन से लिस्टिंग है, क्या स्टॉक है, यहाँ पर रिक्वेस्ट डाउनलोड. तो वहाँ पर आपको बगल में एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का जो फीचर है वो भी आ जाएगा. जैसे FSCO किसी लिस्टिंग में आता है, कोई फ्लिपकार्ट जब किसी लिस्टिंग को FSCO देता है तो यहाँ पर FSCO का टैब कैसे बन जाता है, उस तरह का आपको आप कोई लिस्टिंग है वो इंश्योर हो गया है, मतलब उस एलिजिबल है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के लिए, तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक एक यहाँ पर आ जाएगा टैब जहाँ पर होगा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, और वहाँ पर जितनी भी आपकी लिस्टिंग एलिजिबल होगी कि ये लिस्टिंग आपकी एलिजिबल है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी की, वो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वो सारे यहाँ आपको शो कर जाएंगे. तो उस इस तरह है, आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते. जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन पे हम खुद से अप्लाई कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते. और फिर आपको क्या करना है, एडिट लिस्टिंग में जाना है और यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी की, और वहाँ पर आपको मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं. तो बेसिकली यही फ्लिपकार्ट के इस आर्टिकल में बताया गया है. करेंटली आपको 2 मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी रखना है, 2 से ज़्यादा यहाँ पर नहीं रख सकते हैं. लेकिन क्या फ्लिपकार्ट ने बताया आर्टिकल में, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है, फ्लिपकार्ट में अगर वो लिस्टिंग में आपकी 2 मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है लेकिन अगर 3-4 कितना भी ऑर्डर हो जाए लेकिन शिपिंग जो है वो एक ही प्रोडक्ट की लगेगी. यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि दिस करेंटली लॉन्च फॉर ग्रूमिंग कैटेगरी के लिए, ग्रूमिंग जो वर्टिकल है सिर्फ उसके लिए ही अभी ये लॉन्च किया गया है. तो काफ़ी रिसेंटली ये लॉन्च हुआ है, सेलर्स को बेसिकली मेल भी फ्लिपकार्ट ने किया था. अगर आप मेल देखेंगे तो इस मेल से ही मैंने ये पूरा जो आर्टिकल है वो निकाला है. इस आर्टिकल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप देख सकते हैं 7 सितंबर 2022 को ही ये जो फीचर है ये फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आप सेट कर सकते हैं. हो सकता है आने वाले टाइम में फ्लिपकार्ट जो है वो और भी बहुत से वर्टिकल है जिसपे ये लॉन्च कर सकता है, तो आने वाले अपडेट में आपके साथ शेयर करता रहूंगा अगर फ्लिपकार्ट किसी और कैटेगरी में, किसी और वर्टिकल में भी ये लॉन्च करता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा. सो गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही. हमने देखा कि फ्लिप ये जो आर्टिकल है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं. बेसिकली मेल भी आपको आया होगा, मेल अगर चेक करेंगे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आप अपने मेल में सर्च कीजिएगा रजिस्टर मेल से, देख सकते हैं 7 सितंबर को फ्लिपकार्ट ने ये सेंड किया है, सभी सर को सेंड किया है. तो गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही. जहाँ हमने देखा कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आप कैसे लगा सकते हैं, किन किन कैटेगरी में लगा सकते हैं. आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और
आपका आज के वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। साथ ही गाइज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर मैं आपके लिए ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।